हम आज गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। इस कप से हमने मेजरमेंट किया है 4 कप मावा, 1 कप मैदा, अध किचड़ी कुटी हुई इलायची, 1 कप मिल्क। इसमें हम 1 किलो मावा में 250 ग्राम मैदा का मेजरमेंट है। मावा में मैदा को डालकर इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। मावा और मैदा को अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद इसमें एकदम भी दाना नहीं है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। और इसमें हम दूध डालकर धीरे धीरे आटे के जैसे ओसान लेंगे। लगभग इसमें 1/4 कप दूध डल चुका है और इसको 10-15 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे। 10-15 मिनट के बाद इसमें हम थोड़ा दूध और डालेंगे और इसको अच्छे से मथ लेंगे। इसके अनुसार हम दूध डालेंगे। दूध हमारा इतना बच गया है, हमको ज़्यादा नहीं मथना पड़ता क्योंकि मिक्सी में पिसा हुआ था, इसलिए ये एकदम स्मूथ हो गया है। अब इनको हम सब छोटे छोटे टुकड़ों में करके, साइज से करके, अब ऐसे इलायची डाल के बीच में, और हम इसको गोल कर लेंगे। सबको हम ऐसे गोल कर लेंगे। देखिए एकदम इसमें कहीं भी एकदम प्लेन गोल है, कहीं भी कोई लाइन नहीं है। गुलाब जामुन के लिए हमने सब लोई ऐसे बना ली है। घी को हल्का गर्म करके लोई को इसमें डालेंगे और गैस, कम गैस में इसको लगातार हम हिलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन न हो जाए और अच्छे से सिक न जाए। उनकी चाशनी रेडी करने के लिए 4 कप शुगर में 8 कप वाटर डालकर जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो 2 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और अच्छे से बॉईल होने पर उसमें मेल आएगा तो उसे छान लेंगे। अब ये चाशनी हमारी तैयार है और हमारे ये गरम गरम गुलाब जामुन हम इसके अंदर डाल देंगे। हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन रेडी है और इन्हें हम सर्व करेंगे।